पिछले क्लास में जो वीडियो लोड किया गया था उसमें क्या था कि नीचे वाला प्रिंट आउट प्रिंट दिख नहीं रहा था, तो फिर से आप देख सकते हैं cos a by 1 plus sin a plus sin a 1 plus sin a by cos a, इसको सॉल्व करना है। यानी RHS में आपको क्या लाना है, 2 से के लाना है। तो cos a by 1 plus sin a को हम क्या लिख सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहां पे क्या है 1, तो 1 है या नहीं है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर को cos a cos a से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो cos a into cos a क्या हो गया, cos स्क्वायर है, 1 plus sin a into cos a, इसमें कुछ जैसा का वैसे ही रखा गया है 1 plus sin a by cos a, तो cos into cos cos स्क्वायर 1 plus sin a into cos a, और cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 minus sin स्क्वायर 1 plus sin a into cos a। अब ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो यहां हो गया 1 माइनस साइन बाय 1 प्लस साइन, तो 1 माइनस साइन इनटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन इनटू कॉस, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन बाय कॉस, 1 प्लस साइन बाय कॉस, दोनों का एलसीएम क्या हो गया कॉस, एलसीएम लेते कॉस कॉस कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन प्लस 1 प्लस साइन, साइन साइन कैंसिल, 1 और 1 2 2 बाय कॉस, 2 को डाल देते हैं 1 बाय कॉस का फार्मूला sec 2 sec, तो इस तरह से ये सवाल क्लियर हुआ 2017 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तो हमारा क्या-क्या कंप्लीट हो गया, 2019 हमने कर लिया, 2018 हमने कर लिया, 2017 हो गया, अब कर रहे हैं 2016 का पहला सवाल, यानी ये चल रहा है इस वीडियो पे 2016, तो आपको देखना है यहां पे cos 48, तो 48 को क्या लिख सकते हैं, 19 में कितना माइनस करेंगे तो 48 होगा, तो इसको पहला एंगल पे ध्यान देना, 48 पे हम काम कर रहे हैं ना कि cos पे काम कर रहे हैं, cos पे कोई सेकंड नहीं कर रहा है, 48 को ध्यान देना, तो 48 को हम लिंक करेंगे 90 से, यानी क्या एक तरह से ये बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल, ये जो फार्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल 48 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो उसको लिंक कैसे करते हैं, 90 माइनस 42 दैट मींस यहां क्या हो गया sin 42, तो cos 90 माइनस थीटा क्या है sin थीटा, sin 42 माइनस sin 42 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरा जो सवाल है वो चेक कर रहा है ये LHS और RHS इक्वल है या नहीं है, यानी ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये सही है या गलत है, तो पहले चेक करेंगे, तो LHS में क्या है आपके 2 tan² 45, तो हमें पता है tan 45 का मान कितना होता है 1, तो आपको याद रखना होगा कुछ मान, तो tan 45 बराबर क्या होता है 1, तो 1 का यानी 2 हो गया, RHS देखेंगे हम लोग cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 30 का मान √3/2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया √3/2 यानी 3/4 माइनस 3/4 यानी क्या हो गया 0, तो यानी ये कथन क्या है रॉन्ग, cos यानी LHS equal to not RHS, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस तरह से एक क्वेश्चन आपके बुक में भी होगा 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60, तो हम इसका मान यदि निकालेंगे 2 1 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये इसका आंसर क्या होगा, यदि मान निकालना है तो ये होगा, यदि LHS आ रहा है तो क्या ये होगा, यानी इसमें कौन सा टीका लगाते हैं और यदि मान निकालना आता है तो इसका आंसर कितना होगा 2, तो ये था दूसरा नंबर सवाल 2016 का। अगला सवाल देखते हैं 2016 में तीन सवाल पूछा गया है,